Dear student, today I am going to deliver my lecture on the topic of crop rotation and its principles. However, first, what is crop rotation? Repeated cultivation of crops and followed in a certain sequence on the same land is called crop rotation. For example, rice in grape season and wheat in rabi season. And after wheat, we can grow moong, especially in summer season. And moong is a short durable crops. It is the reverse of land rotation. Here crop is rotated year after year. And then definition of crop rotation. It refers to recurrent succession of crops on the same piece of land either in a year or over a longer period of time. It is a process of growing different crops in a succession on a piece of land in a specific period of time with an objective to get maximum profit from least investment without impairing the soil fertility. And then the principles of crop rotation. Along the first principles, the legume crop like chickpea, lentil, groundnut are grown alternatively with non-legume crops like rice, wheat, maize, etc. to restore the fertility of the soil. सब तो पहला आपका legume crop grow करते हैं जिमें chickpea, lentil, groundnut. इस तो बाद अपन non-legume crop जिमें सील क्रॉप्स जिमें राइस है, वीट है, मेज है, ये ग्रो करते हैं। ये नाल अपने जो सोइल की जो फर्टिलिटी जो स्टेटस है वो रिस्टोर होता रहता है या मेंटेन रहता है। उस तो आता है व्हेन द सील क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स यूजेस अप ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सोइल। जो आप सील क्रॉप ग्रो करते हैं तो काफ़ी नाइट्रोजन का ये अपटेक कर लेंगे जी, खास करके जी अवेलेबल नाइट्रोजन है। इस कारण अपने सोइल के जो नाइट्रोजन की डेफिशियंसी आ जाती है तो जो लेग्यूम क्रॉप्स ने वो इस चीज़ को इंप्रूव करती हैं। Legume crops have the ability to fix atmospheric nitrogen and nitrate compound through the help of certain bacteria present in the root nodules. Rhizome ground जो bacteria ने वो जिन्हें भी legume crops हैं ये जो atmospheric free nitrogen जी है element nitrogen है इसको nitrate form के fix कर देंगे तो plant को अपना यही carbohydrate form के food लेंगे। इस तरह ये rhizome bacteria जी ने symbiotic nature है इनका। उस तो बाद नंबर सेकंड आया था एग्जॉस्टिव क्रॉप आर ग्रोन अल्टरनेटिवली विद लैस एग्जॉस्टिव टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कुछ जो क्रॉप्स ने वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट का अपटेक कर दिया ने जिमें सोरगम है, शुगर केन है, पोटैटो है। इस करके अपन जिहड़ियां ज़्यादा एग्जॉस्टिव क्रॉप्स ने जिहड़ा ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक कर दिया ने सोइल तो उस तो बाद जो लैस एग्जॉस्टिव क्रॉप है जिमें ऑयल सीड पल्सेस है अपन वो ग्रो करने चाहिए ने क्योंकि इस नाल कि अपनी सोइल का जो फर्टिलिटी स्टेटस है वह मेनटेन रहा है। उस तो बाद आता है द टेप रूट क्रॉप आर ग्रोन अल्टरनेटिवली विद फाइबरस रूट क्रॉप्स फॉर यूनिफॉर्म यूटिलाइजेशन ऑफ सोइल न्यूट्रिएंट्स। ये मेनली की है जी अपनी क्रॉप्स ने इन जी रूट जी है वह डिफरेंट डेप्थ तक होंगी जिम्मे डीप रूटड क्रॉप के सनफ्लावर एल्फा एल्फा एम शैलो क्रोप जो शैलो रूटड क्रॉप जी फील्ड पी है लेंटिल है जी डीप रूटड क्रॉप है उस तो बाद आप शैलो रूटड क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ये की होंगे जी सोइल की जीडिया डिफरेंट लेयर्स ने उन्हों तो यूनिफॉर्मली जो न्यूट्रिएंट का अपटेक होंगे तो इस जी अपने सोइल का जो फर्टिलिटी स्टेटस है वो रिस्टोर भी हो जाता है मेंटेन भी रहेंगे। उस तो बाद फोर्थ वन है द रोटेशन शुड प्रोवाइड फोडर फॉर द लाइव स्टॉक कैप्ट ऑन फार्म। जे आप फार्म के ऊपर जो अपन एनिमल्स रखे ने उन्होंने लिए अपन फोडर भी ग्रो करना चाहिए, फोडर क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं अपन जिमें राइस, बरसीम, कॉटन। सब तो पहले खरीफ सीजन राइस ग्रो करते हैं, उस तो बाद आपको ब्रिसीम ग्रो करनी चाहिए, फिर कॉटन ग्रो करनी चाहिए। दूजा एग्जाम्पल जो चिकपी, सोरगम तो मस्टर्ड है। रबी सीजन से आप चिकपी ग्रो करते हैं, खरीफ के फिर सोरगम जी फोडर ग्रोप है, उस तो बाद आप मस्टर्ड ग्रो करते हैं। इस तरह जो अपना ग्रोप रोटेशन है वो आप जिहड़ियां फोडर क्रॉप्स ने वो भी इनकलूड इस तरह करनी चाहिए ने इन सच ए वे कि अपने जो सोइल का जो फर्टिलिटी स्टेटस जो मेनटेन रहे तो मिनिमम हार्मनेस हुई तो मैक्सीमम बेनीफिट हो। उस तो बाद नंबर फिफ्थ द क्रॉप ऑफ द सेम फैमिली शुड नॉट बी ग्रोन इन सक्सेशन बिकॉज दे एक्ट लाइक अल्टरनेट होस्ट फॉर इनसैक्ट पेस्ट। आप जो एक ही फैमिली जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो बहुत सारे यही डिजीज है ज वीड है ज इनसैक्ट पेस्ट ने जोड़े वह क्रॉप एसोसीएटड होंगे ने जोड़े एक स्पेसीफिक क्रॉप के ही लगते हैं जिमें फैलरिस माइनर है। फैलरिस माइनर जो मेनली अपने वीट क्रॉप के होंगे इस करके आप हर साल जो आप वीट क्रॉप ग्रो करते हैं तो जो फैलरिस माइनर जोड़ा है यही हर साल जी अक्रेंस होंगी रही है। इस करके इसको आप रिमूव करने के लिए
क्रॉप रोटेशन जो अप्लाई करना चाहिए। द सिलेक्शन ऑफ क्रॉप शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल ऑफ द फार्मर्स। जी अपनी क्रॉप का जो सिलेक्शन है वो इस तरह करना चाहिए कि जिस ना अपने फार्मर की नीड जी है वह फुलफिल हो सके। इस तो अलावा जो अपने नियर सिटी जो फार्म ने उत्थे मेनली फार्मर में वेजिटेबल्स या फ्लावर जी पेरिशेबल क्रॉप्स ने वह मेनली ग्रो करने चाहिए जिस उसमें ज़्यादा इनकम भी जी ज़्यादा हो। उस तो बाद आता है इट शुड बी अडेप्टेबल टू द एग्जिस्टिंग सोयल क्लाइमेटिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर। जोड़ा अपना ग्रोप रोटेशन है वह सोयल क्लाइमेटिक इकोनॉमिक फैक्टर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। उस तो बाद इट शुड बी बेस्ड ऑन इंटीग्रेट फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेट फार्मिंग सिस्टम की है ये अपने जिन्हें भी नेचुरल रिसोर्स ने इन्हों का मिनिमम हार्मनेस हो मैक्सीम बेनीफिट हो जो जिन्हें भी अपने नेचुरल रिसोर्स ने इन्हों जो अपने फ्यूचर जनरेशन है वो अपन मेनटेन रहे मेने का अभी ऑब्जेक्टिव। उस तो बाद आ जाता है एडवेंटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। जो क्रॉप रोटेशन की एडवेंटेज ने देर इज एन ओवरऑल इनक्रीज द ईल्ड ऑफ क्रॉप। सब तो पहला तो जी ओवरऑल जी ईल्ड है क्रॉप की वो ये इनक्रीज होती है क्योंकि जो क्रॉप रोटेशन आप अपलाई करते हैं सोयल की फिजिकल है बायोलॉजिकल है चाहे कैमिकल जी कंडीशन है वह इंप्रूव हो जाती है जिस जिन्हें भी अपने न्यूट्रिएंट्स ने सोयल के सारे वो ज़्यादा अवेलेबल फॉर्म के कन्वर्ट होंगे तो प्लांट बैलेंस फॉर्म के प्रोवाइड होंगे रहते हैं। इस तो अलावा सोयल की जी फिजिकल कंडीशन है चाहे सोयल स्ट्रक्चर है सोयल टैक्सचर है उस भी सोयल ऑर्गेनिक मैटर हो गया उस भी इंप्रूवमेंट होती है। उस तो आता है क्रॉप रोटेशन हेल्प इन सेविंग ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बिकॉज लेग्यूम क्रॉप फिक्स एटमोसफेयर नाइट्रोजन द सोयल। जो क्रॉप रोटेशन है ये अपने जिन्हें भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उन्होंने भी सेविंग होती है क्योंकि लेग्यूम क्रॉप जी है वह एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन जी है वो सोयल के फिक्स कर देंगे नाइट्रेट फॉर्म के। उस तो आता क्रॉप रोटेशन हेल्प इन वीट एंड पेस्ट कंट्रोल। जो क्रॉप रोटेशन है जो आप क्रॉप जी इस तरह आप ग्रो करा जिद अपने जोड़े वीड ने ज पेस्ट ने जोड़े ने वो भी ये कंट्रोल होंगे हेल्प होंगी जिमें कि अपन जिन्हें भी क्रॉप एसोसिएटेड वीट है जिम्मे फैलरिस माइनर है वीट के अपने पंजाब मेनली कि हर साल आप वीट ही ग्रो करते हैं इस करके इतने जोड़ा फैलरिस माइनर जी अकरेंस जी है वो मच हायर होंगी है। इस तो अलावा ज क्रॉप रोटेशन जोड़ा अपने जो पेस्टिसाइड की जी कोस्ट है उसमें भी रिड्यूस करता है। नैक्सट देर इज रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ओवर द ईयर। इस नाल फार्मर नूं कि थ्रू आउट ईयर जी है वो इनकम जी है वो चलती रहती है चाहे वह वैजिटेबल हो गए चाहे वह लेगिंग क्रॉप्स हो। उस तो बाद इट हैल्प टू प्रिवेंट सोयल इरोजन। जो क्रॉप रोटेशन है ये आप करते जी सोयल बाउंड्री जो क्रॉप्स आप ग्रो करते हैं जो जिमें ग्राउंडनट हो गया ये अपनी जी सोयल जी है वह इरोजन जोड़ा वह मिनिमल हो जाता है। उस तो बाद क्रॉप रोटेशन एड डाइवर्सिटी टू द फार्म। क्रॉप रोटेशन के नाल अपनी जी फार्म है ये डाइवर्सिटी आती है। डाइवर्सिटी नाल की होंगे अपने जिन्हें भी नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिजम ने चाहे वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जो बेनीफिशरी होंगे ने अपने क्रॉप के लिए वह ज़्यादा जो डाइवर्सिटी उन्होंने इंप्रूवमेंट ज़्यादा होंगी। उस तो डिफरेंट क्रॉप रोटेशन कि क्रॉप रोटेशन सब तो पहला आप खरीफ सीजन के आप राइस ग्रो करते हैं। राइस जी है एक सीरियल तो हाई वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप्स है। उस तो बाद आप रबी सीजन के राइस तो बाद आप ग्राम ग्रो करना चाहिए। ग्राम जी है एक लेग्यूम क्रॉप है तो ये लैस वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप है। जिस तो अलावा आप सनफलोर भी ग्रो कर सकते हैं। सनफलोर आप मेनली आप जाय सीजन आप ग्रो करते हैं ये एक जाय सीजन की ऑयल सीड क्रॉप्स है। उस तो दूजा उस तो बाद सैकेंड आ जाता है सोरगम। सोरगम एक खरीफ सीरियल क्रॉप्स है मेनली इन आप फूड पर्पज लिए ग्रो करते हैं। एक नाइट्रोजन एग्जास्टिव क्रॉप है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं सोयल तो। उस तो बाद लेंटिल उस तो बाद आप लेंटिल ग्रो करना चाहिए। लेंटिल एक लेग्यूम क्रॉप है लेंटिल या चिकपी दोनों चाहे कोई भी ग्रो कर सकते दोनों ही लेग्यूम क्रॉप्स ने तो लैस वाटर रिक्वायरमेंट भी है। उस तो बाद आ जाता है जोड़ा थर्ड है वह है कोटन। कोटन एक खरीफ ऑयल सीड के फाइबर क्रॉप्स है यह न्यूट्रिएंट का ज़्यादा अपटेक करती है तो यह थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेबल क्रॉप भी है। इस तो बाद आप वीट ग्रो कर सकते हैं। वीट जी है थोड़ी अपनी लेट सोन भी कई बार हो जाती है पर अच्छा जी वरायटियाँ कोटन की जान लग गई जी अर्ली जी आप इन्होंने पिक कर सकते हैं। वीट जी एक सीरियल क्रॉप है सीरियल रबी क्रॉप। उस तो आता है सोरगम। सोरगम फिर नाइट्रोजन एग्जॉस्टिव क्रॉप उस खरीफ क्रॉप है। इस तो बाद आप सनफ्लोर ग्रो कर सकते हैं। सनफ्लोर एक ऑयलसीड क्रॉप है। सनफ्लोर तो बाद फिर आप मूंग बीन ग्रो कर सकते हैं। उस तो आता है फिफ्थ जोड़ा अरहर। अरहर एक खरीफ लेग्यूम क्रॉप है
इस तो बाद आप अरहर तो बाद अगर रबी सीजन के वीट ग्रो कर सकते हैं, वीट एक सीजन क्रॉप है। वीट तो बाद फिर मूंग बीन ग्रो कर सकते हैं। मूंग बीन जी आप मेनली जायद या समर सीजन से ग्रो करते हैं, तो मूंग बीन तो बाद फिर राइस क्रॉप आप ग्रो कर सकते हैं। राइस एक हाई वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप है। उस तो बाद आता है सिक्स्थ वन ग्राउंड नट। ग्राउंड नट एक ऑयल सीड क्रॉप है, ऑयल सीड खरीफ क्रॉप है, लेग्यूम क्रॉप भी है। इस तो बाद आप खरीफ ग्राउंड नट तो बाद आप वीट ग्रो करते हैं। रबी सीजन के रबी वीट एक सीरियल क्रॉप है। इस तो बाद आप वैजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। वैजिटेबल खास करके जिम्मे कुकुम्बर या कुकरबिट्स में यही खास करके समर सीजन के स्पेशली आप इन्होंने ग्रो करते हैं। एक शॉर्ट ड्यूरेबल क्रॉप्स भी है। नेक्स्ट आता है सेवंथ मेज। मेज फिर एक नाइट्रोजन एग्जॉस्टिव क्रॉप भी है, खरीफ सीरियल क्रॉप है। इस तो बाद आप बरसीम ग्रो करते हैं। बरसीम एक लेग्यूम फूड क्रॉप है रबी सीजन की। इस तो बाद फिर आप ग्राउंड नट जी है आप ग्रो कर सकते हैं। कोयल शूट लेग्यूम क्रॉप है खरीफ सीजन के। ग्राउंड नट तो बाद आप फिर बारली ग्रो कर सकते हैं। बारली जी है इन साल टोलरेंट क्रॉप भी है, तो लैस वाटर रिक्वायरमेंट्स भी है। तो उस तो बाद आता है कुछ क्रॉप रोटेशन, एक साल दो साल या तीन साल की जो वन ईयर रोटेशन है। ये मेनली आप राइस है, ग्राम है, राइस खरीफ सीजन तो उस बाद आप ग्राम ग्रो कर सकते हैं। मेज जो खरीफ के मस्टर्ड फिर रबी सीजन के। उस तो बाद जो टू ईयर या दो साल जो क्रॉप रोटेशन है, ये मेनली जिम्मे राइस हो गया, राइस एक हाई वाटर रिक्वायरमेंट सीरियल खरीफ क्रॉप है। इस तो बाद आप लेग्यूम क्रॉप आप ग्रो करते हैं। ग्राम जी लैस वाटर रिक्वायरमेंट भी है, तो लेग्यूम क्रॉप भी है। उस तो बाद आता है मेज। मेज फिर हाई न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव क्रॉप्स है। उस तो बाद फिर आप लेंटिल ग्रो करते हैं। लेंटिल एक लेग्यूम क्रॉप है। तो उस तो बाद आता है लेंटिल जी लैस वाटर रिक्वायरमेंट भी। उस तो बाद दूजा जो टू ईयर क्रॉप रोटेशन है, ये मेनली आप क्रिप्शन आप सोरगम ग्रो कर सकते हैं। सोरगम एक नाइट्रोजन एग्जॉस्टिव क्रॉप है, एक फॉडर क्रॉप्स हैं खरीफ सीजन की। उस तो बाद आप इस आप बरसीम ग्रो कर सकते हैं। बरसीम एक लेग्यूम फॉडर क्रॉप है रबी सीजन की। इस तो बाद फिर आप मेज, मेज तो बाद फिर ग्राम। उस आते हैं थ्री ईयर रोटेशन या तीन साल जो फसली चक्कर कि मेनली सब तो पहला आप खरीफ सीजन से आप कोटन ग्रो कर सकते हैं। कोटन जी है ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव क्रॉप भी है, तो ऑयल शीड से फाइबर क्रॉप्स हैं खरीफ सीजन की। उस तो बाद आप ओट ग्रो करते हैं। ओट एक फॉडर क्रॉप फॉडर सीरियल है। उस तो बाद आता है शुगर केन। शुगर केन जी है ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करती है, तो एक थ्रोट ईयर जो क्रॉप रोटेशन है। थ्रोट ईयर जो शुगर केन जो लाइफ साइकिल जो थ्रोट ईयर होंगे। उस तो बाद आता है पीज या मटर आप ग्रो कर सकते हैं। मटर एक जो फिर लेग्यूम क्रॉप। उस तो बाद फिर मेज हो गया। मेज तो बाद फिर आप रबी सीजन आप वीट ग्रो कर सकते हैं। दूजा जोड़ा सैकेंड जो थ्री ईयर क्रॉप रोटेशन है, ये आप फिर राइस है रबी सीजन के। फिर लेंटिल हो गया। लेंटिल लैस वाटर रिक्वायरमेंट है, राइस जी हाई वाटर रिक्वायरमेंट है। लेंटिल जी रबी क्रॉप है, राइस जी थ्री क्रॉप। उस तो बाद फिर अपने फिर सोरगम आ गया खरीफ सीजन के। नाइट्रोजन एग्जॉस्टिव क्रॉप है। उस तो बाद फिर ग्राम हो गया। ग्राम तो बाद फिर कोटन हो गया। कोटन तो बाद फिर बारली हो गया। ठीक है, इस तरह यही तीन साल का क्रॉप।